नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक संघ प्रारंभिक शिक्षा खंड चंबा में सत्र 2022 से 25 के लिए त्रैवार्षिक चुनाव रविवार को संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया विश्वनाथ शर्मा, विनय कुमार और राम कुमार की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें करीब 130 अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया, जिसमें सर्व सहमति से राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगोड़ी से अमित कुमार को प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि कमलेश कुमारी को वरिष्ठ उप प्रधान, अतुल कुमार को महासचिव, उत्तम को कोषाध्यक्ष तथा अशोक भारद्वाज को महालेखाकार चुना गया। नव नियुक्त प्रधान अमित कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका वे ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, संगठन की मजबूती के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अध्यापक वर्ग के हितों की रक्षा करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरा नाम तेजेंद्र विक्रम है, मैं खंड चंबा में एसएचएमटी कार्यरत हूँ। आज हमारे ब्लॉक के इलेक्शन से प्राइवेट टीचर फेडरेशन के, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध कार्यकारिणी को चुना है और इसमें अमित जी को प्रधान पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है, श्री अतुल जी को महासचिव और श्री उत्तम जी को कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। और अपने श्रीमती कमलेश मैडम जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चंबा ब्लॉक के तौर पर काम करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यकारिणी अध्यापकों के हित के लिए कार्य करेगी और आने वाले समय में एक अच्छी अपनी छाप छोड़ के जाएगी। अध्यापक साथियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारा जो ये चुनाव है, इसकी जो 2022-25 के लिए जो कार्यकारिणी का गठन करना है, उसको सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिसमें अमित कुमार जो हमारा नगोड़ी में जेबीटी अध्यापक कार्यरत है उनको अध्यक्ष, और हमारी कमलेश कुमारी जी जो हमारी ओबड़ी में है टीचर है उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे अतुल कुमार जो हमारे कोलड़ी में एज ए जेबीटी कार्यरत है उनको महासचिव, और उनके साथ हमारा जो कोषाध्यक्ष का पद होता है उसमें हमारे जो उत्तम जी हैं जो पलियूर सेंटर में कार्यरत है उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, और पांचवी पोस्ट जो हमारी इलेक्टेड बस्ती है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हमारा अशोक जो कि सिल्ला ग्राड सेंटर में कार्यरत है उनको कार्यकारिणी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी नई कार्यकारिणी गठित की गई है वो अगले 2022-25 में अध्यापक अध्यापिकाओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेगी, और ऐसा मेरा मानना भी है कि ये खूब ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और अध्यापक की ज्वलंत समस्याओं का उचित निदान करते हुए अपनी कार्य को अंजाम देंगे। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा इन नई चुने हुई पदाधिकारियों, तो इन्हीं के साथ मैं आपके चैनल का भी आभारी हूँ जो हमारे अध्यापकों के इस त्रैवार्षिक चुनाव में आप आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।